हेलो गाइड्स, मैं राजेश इलाहाबादी, जो कि प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर आज ननिहाल में हूँ। और ये हम सेकंड ब्लॉक में आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, खेत की जुताई भी हो रही है और सारे जो है काफ़ी दूर दूर तक आपको धान नज़र आएंगे, जो कि इस समय कट रहे हैं। आप देख, कुछ हरे हैं तो कुछ सूख गए हैं, और हमारी निगाह जहाँ तक जा रही है आप दूर से देख सकते हैं, ये है मामा लोगों का खेत। गाइड्स, देखिए हम अब खेत के तरफ जा रहे हैं, और देखिए मामा लोगों का खेत है, लेकिन हम जिस जगह से जा रहे हैं बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है और गिरने का बहुत चांस है, तो ये सारे मामा लोगों का खेत है। ये देखिए, मैं खुद ही गिरा जा रहा हूँ, तो ये देखिए मामा लोगों के, ये देखिए सारे खेत हैं, और आपको दिखाते हैं वहाँ पर। देखिए काफ़ी दूर पे मोर दिख रहा है, जैसे हम अभी पास से दिखाते हैं, वो मोर बैठे हुए हैं, हम अभी पास से आपको दिखाते हैं। मैं इनको दौड़ करके दिखाना चाह रहा था कितनी तेज़ी से उड़ रहे हैं। गांव के रास्ते में चलते चलते जो है हाँफने लगा मैं, अभी बहुत दूर जाना पड़ेगा, जो कि मामा जी हमारे खेत की कटाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर हैं, वहाँ पर खड़े हैं, तो हम वहाँ पर चलते हैं क्योंकि अभी काफ़ी दूर है। तो गाइड, देखिए कि ये धान जो है काटा जा रहा है, और मामा जी हमारे जो है धान की कटाई कर रहे हैं, जैसे कि हम आइए उनसे मिलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, ये देखिए कि क्या स्पीड है मामा की जो है हमारे, देख लीजिए, इतने स्पीड से अगर ये धान काटेंगे तो शायद ये अभी चंद मिनट में ही कट जाएगा। तो आपको इधर दिखाते हैं, मामी जी भी बहुत तेज जो है, देखिए धान को कैसे काट रही हैं, तो शायद हमें भी काटना सीखना चाहिए, और हम भी काटते हैं। देखिए मामी जी हमारी हैं, तो इस समय मामा और मामी दोनों धान की कटाई में लगे हुए हैं, तो आइए मामा से कुछ जानकारी लेते हैं। गाइड्स, हम आपको बता दें कि ये देखिए धान की फसल है, जो कि सामने हमारे मामा जी हैं, और मामा जी से पूछते हैं कि ये धान जो आपने बोया था, ये किस समय बोया था, और अब कटाई हो रही है इस नवंबर के महीने में, तो ये जुलाई के महीने में बुआई हुई थी इसकी, और ये श्री राम धान है जो कि मार्केट में चावल इसका 40 से 4500 रुपए कुंतल बिकता है, बहुत महीन धान है, ये खाने में भी अच्छा स्वादिष्ट है, इसलिए इसको हम लोग पसंद करते हैं, खाने पीने में भी और बिक्री के लिए भी ठीक है। तो जैसा कि मामा जी बता रहे हैं कि बहुत स्वादिष्ट ये धान है, तो मामा जी ये बताइए कि अब ये जो आप कटाई कर रहे हैं, तो कैसे ये कहाँ ले जाएंगे और कैसे क्या करेंगे? इसका चावल जो है, चावल राइस मिल में इसकी दराई होगी और इसका चावल निकाला जाएगा। अच्छा। जो मार्केट रेट इसका 4000 के ऊपर बिकता है। मार्केट रेट 4000 का ऊपर? हाँ। तो क्या इसे आपका खाने पीने में अच्छा स्वादिष्ट है, अच्छा बढ़िया चावल होता है इसका, सब लोग इसको पर सोनम से भी ज्यादा अच्छा है इसका खाने पीने में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो ये सबसे अच्छा चावल है। तो जैसा कि हमारे मामा जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चावल है, तो क्या इसके अलावा सोनम से हट करके? हाँ, सोनम से हट के ये श्री राम है, श्री राम इसका नाम है, और ये चावल बिक्री के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और खाने में भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा चावल है इसका, और सोनम से अच्छा माना गया, ये मार्केट वैल्यू भी इसकी अच्छी हुई और सोनम से भी बढ़कर हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मामा जी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा जो है इस बार, तो क्या इसका रिस्पांस है, अभी आप इसको ले जाएंगे थ्रेसर पे? हाँ, थ्रेसर पर ले जाएंगे तो इसकी मड़ाई हो जाएगी। अच्छा। और मड़ाई के बाद इसका धान निकला है, थोड़ा सुखा करके राइस मिल में चावल बना लिया जाएगा। अच्छा, राइस मिल में? हाँ, तो बढ़िया क्वालिटी का बन जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये महीन होता है, मोटा होता है? महीन होता है ये। अच्छा, महीन होता है? हाँ, महीन चावल है इसका। अच्छा, महीन चावल। तो आप कितने बजे सुबह आ जाते हैं काटने के लिए, जरा हमें काट के दिखाइए कैसे आप काटते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे काटते हैं। तो गाइड, देख लीजिए मामा जी बहुत तेज काट रहे हैं, तो इनकी कटाई और इनके उम्र के हिसाब से आप इनको देख सकते हैं कि अभी भी यंग लग रहे हैं, मुस्कुरा बहुत रहे हैं मामा जी हमारे। तो मामा जी ये बताइए कि आप सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह लगभग 8 बजे। 8 बजे। और अभी शाम को कितने बजे आए हैं? अब शाम को मान लीजिए 5, 5:30 बजे बंद कर देंगे।
अच्छा बंद कर देंगे, दोपहर में लंच करते हैं। अच्छा दोपहर में लंच करते हैं, तो चलिए ठीक है। मामा जी हमारे बता रहे हैं, काफी कुछ बता दिए हैं, तो गाइड सकते हैं। ये हमारी मामी जी है, मामी जी कुछ कहना चाहती हैं कि इस धान के बारे में, तो मामी जी आप बताइए। खाने में बहुत अच्छा है। अच्छा खाने में अच्छा लगता है, पैदावार सही है, इसी से इसका लगा के हम लोग बेचते हैं। ये कौन सा धान है? ये श्री राम। अच्छा श्री राम है, इसके अलावा और कुछ भी आप? नहीं, और दूसरा धान टाटा है, मोटा वाला। हाँ तो उनका वो खाने में नहीं अच्छा लगता, खाने में अच्छा नहीं लगता है नहीं। तो चलिए हमारी मामी जी, हमें बहुत खुशी हुई कि मामी जी हमारी बता रही हैं कि खाने में बहुत खुशी हुई। देखिए हमारी मामी कैसे जो है ये भी तेजी तेजी से काट रही हैं, ये देखिए। तो चलिए गाइड से ये हुई अब खेतों की बात, अब हम दूसरे। तो गाइड जैसा कि अभी हम भी आज इतने सालों बाद आए हैं, तो मामा जी हमारे बता रहे हैं कि धान को कैसे काटा जाता है। ये ऐसे ऐसे काटा जाता है, तो मामा जी हमको दीजिए जरा, हम भी काट के और देखें कि कैसे धान की कटाई होती है। तो गाइड से वाह कितना अच्छा काट रहा है, कितना अच्छा जो है, देखिए अच्छा लग रहा है हमें आज धान काटते हुए। ये देखिए, ये देखिए बताना। वाह, तो मामा जी बहुत अच्छा लगा धान काटते हुए, बहुत अच्छा लगा गांव वहाँ करके। और ये लीजिए आप, और ये हम धान भी रखते हैं। अनुराग जी भी देखिए धान कैसे काट रहे हैं, ये देखिए कितना उत्तेजित है धान काटने के लिए। देखिए ये भी पहली बार गांव आए हैं, देख लीजिए आप, देख सकते हैं ऐसा सब शहर में नहीं मिलता है। खैर हम लोग को बहुत खुशी होती है, ननिहाल आ करके बहुत मेहनत से काटता है धान। चलिए ठीक है गाइड्स, तो गाइड्स जैसा कि हम बता दें कि अगर हमारा ये ब्लॉग अच्छा आपको लगे तो आप प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ये बताइए कि हम गांव में आए हैं और धान भी काट रहे थे, हमारे मामा जी भी हैं, तो आप जरूर से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।